गोरखपुर विश्वविद्यालय के संवाद भवन में कुलपति पूनम टंडन की अध्यक्षता में दीक्षारंभ कार्यक्रम के तहत परिसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कुलपति पूनम टंडन ने कहा कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रथम शैक्षणिक सत्र प्राप्त हुआ है और तब से लेकर के हमारे 68 वर्षों की यात्रा में अनेक उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं, जिसमें हमें इसी वर्ष नेक में A++ की मान्यता प्राप्त हुई है। वर्तमान समय में किसी भी कॉलेज में A++ बहुत मायने रखता है। आप जब यहां से डिग्रियां लेकर के जाएंगे तो विभिन्न संस्थानों में आपको पहले महत्व दिया जाएगा। उन्होंने कहा, यहाँ से अध्ययन करके निकले हुए विद्यार्थी देश विदेश में अपनी प्रतिभा के दम पर नाम कमा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़े पद पर वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसी विश्वविद्यालय से पढ़े हुए हैं और देश के एक बड़े पद पर हैं। जो हमारे 68 ईयर्स की जो जर्नी है, जो इतिहास इस विश्वविद्यालय के इस इतिहास में अनेक उपलब्धियां हमने प्राप्त की, जिसमें से अगर सबसे रीसेंट का मैं जिक्र करना चाहूं तो आप सभी जानते हैं कि इसी वर्ष हमें NAC द्वारा A++ एक्रेडिशन प्राप्त हुआ। बहुत मायने रखता है। आप जब यहाँ से अपनी डिग्रियां लेकर के जाएंगे जिसपे A++ लिखा होगा, तो आपको विभिन्न संस्थानों में जहाँ आप आगे की पढ़ाई के लिए या जॉब के लिए जाएंगे तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होगा। मैं अपने नवागत विद्यार्थियों को इस बात से भी अवगत कराना चाहूंगी कि यहाँ से अध्ययन करके निकले हुए विद्यार्थियों ने देश विदेश में के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। संभवतः आप में से कुछ लोग इस बात से परिचित हो कि हमारे वर्तमान रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी इसी विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग से उन्होंने MSc की उपाधि प्राप्त की। यदि मैं ऐसे पूर्व छात्र छात्राओं का नाम लेने लगूं तो ये सूची बहुत लंबी है। आपसे अनुरोध है कि आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाएं, alumni सेक्शन को ओपन करें तो आप निश्चित रूप से प्रेरित होंगे, मोटिवेटेड होंगे कि हमारे कैंपस से निकलने वाले विद्यार्थियों